हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ई इनवाइस के लिमिट में चेंजिंग हुआ है और 1 अगस्त 2023 से जिस भी टैक्स पेयर की प्रीवियस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उस केस में उस टैक्स पेयर को ई इनवाइस बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिल्कुल इजी तरीका, सिंपल तरीका से कि आप डायरेक्ट टैली से ई इनवाइस को 2 से 3 मिनट में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों, टैली से ई इनवाइस बनाने के लिए टैली में कुछ ऑप्शन को आपको इनेबल करना पड़ता है। उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे टैली पे आना है। यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे टैक्सेशन वाले कॉलम में देखेंगे ऊपर ही इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST वाली, इस वाले ऑप्शन को आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। वैसे तो आपकी यस होगा क्योंकि अगर आप GST में बिलिंग कर रहे हैं टैली से तो यस होगा। यस करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने ये वाले बॉक्स खुलेगा जिसमें आपकी जो कंपनी है किस स्टेट से है, आपकी रजिस्ट्रेशन टाइप किस टाइप की है, आपके GST नंबर क्या है और आपकी रिटर्न कौन सी क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, मंथली, ये सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, जो आपने फिलअप किया होगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है ई इनवाइस डिटेल, ये वाली ऑप्शन आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ई इनवाइस बनाना है तो ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल को आपको यस कर देना है। अगर आप में नो है तो यस कर देना है। अप्लीकेबल फ्रॉम जो डेट है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपको 1 अगस्त 2023 से ई इनवाइस बनाना है तो आपको 1 अगस्त 2023 यहाँ पर डालना है, यानी आप 1 अगस्त से जितने भी आगे का बिल बनाएंगे उस पर ई इनवाइस बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 31 जुलाई के बिल ई इनवाइस बनाएं तो उस केस में टैली से आप ई इनवाइस को नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे जो अप्लीकेबल फॉर्म जो डाला है वो 1 अगस्त डाला है। लेकिन मैं यहाँ पे 1 जुलाई इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को 27 जुलाई के अभी एक बिल, मैं आपको आज जो वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में मैं ई इनवाइस आप लोग को बना के दिखाऊँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2023 सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद इनवाइस बिल फ्रॉम प्लेसमेंट दिल्ली कर देना है, ठीक है। उसके बाद ईवे बिल डिटेल्स में आपको ये ईवे बिल अप्लीकेबल यस कर देना है। अप्लीकेबल फ्रॉम में ये तो आपके सारे डेट वोट डला होगा क्योंकि अगर आप ईवे बिल बना रहे होंगे तो ये आपके सिस्टम में इनेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इसको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक इनवाइस जो बनाया है मैंने उसके ओपन करूँगा और उसका ई इनवाइस आपको बना के, ठीक है, लाइव दिखाऊँगा कि किस तरह से आप इसकी ई इनवाइस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उस इनवाइस को ओपन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक इनवाइस है, ये 27 जुलाई, आप डेट देखेंगे 27 जुलाई का इनवाइस है, ठीक है, 37,000 समथिंग का ई इनवाइस है। अब इसका मेरे को ई इनवाइस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटर करते हुए यहाँ पे जब जो लिखा है प्रोवाइड ई इनवाइस डिटेल, इसको यस कर देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने 1 जुलाई डाला था इसीलिए 27 जुलाई के इनवाइस में ये ऑप्शन आ रहा है। अगर हम 1 अगस्त डालते तो प्रोवाइड ई इनवाइस डिटेल ये वाले ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता। तो आपको ध्यान देना है कि 1 अगस्त से ई इनवाइस बनाना है तो 1 अगस्त डालेंगे तो आपको 1 अगस्त से जो आगे का इनवाइस बनाएंगे उसमें ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सिंपली इसको आपको यस कर देना है। करने के बाद बिल टू प्लेस में आप कहाँ से बिल कर रहे हैं वो, शिप टू प्लेस कहाँ आपको माल भेजना है वो डालने के बाद आपको सिंपली इसको सेव करना है। क्या सेव करना है? इस इनवाइस को आप सेव करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस, आपसे ये पूछेगा। अगर आपको करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको ई इनवाइस लॉगिन का ऑप्शन आएगा, GST रजिस्ट्रेशन, आपके GST नंबर आएगा और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। अब ये चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे यूजर और पासवर्ड कौन सा डालेंगे। यहाँ पे API रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने यूजर ID और पासवर्ड बनाया होगा उस ID और पासवर्ड को यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब ये पूछेंगे कि API रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि ई इनवाइस की पोर्टल पे आप अपने GST नंबर को कैसे रजिस्टर्ड करेंगे और अपने GST नंबर को ई इनवाइस के लिए कैसे इनेबल करेंगे, अगर इनेबल है तो उसको कैसे चेक करेंगे, और साथ में ये भी बताया है
कि एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे जिससे कि आप ई इनवाइस को डायरेक्ट टैली से बना सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे देता हूं और साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, वहां से उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी सारी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि आपकी एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड को कैसे क्रिएट करना है, उस वीडियो में आपकी सारी क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा। साथ में अगर आप अपने जो जीएसटी नंबर आपकी जो कंपनी है ई इनवाइस की पोर्टल पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, या अगर मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी में आपकी 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है जो लिमिट है आपकी इनवाइस की उसको क्रॉस कर गया है, लेकिन आपकी जो कंपनी है या जो आपकी जीएसटी नंबर है वो ई इनवाइस की पोर्टल पे अभी इनेबल नहीं हुआ है ई इनवाइस के लिए, तो उस केस में अपने कंपनी या अपने जीएसटी नंबर को कैसे इनेबल करेंगे उस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। साथ में आपको एपीआई एड्रेस जो एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है जिससे कि आप डायरेक्ट टैली से ई इनवाइस को बनाएंगे वो भी मैंने उसमें बताया है, तो एक बार वीडियो को जरूर जाके देखिए, ठीक है। और अपने यूजर आईडी पासवर्ड को वहाँ से एपीआई क्रिएट करना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपने यूजर आईडी जो है वो डाला एपीआई वाला, उसके बाद जो पासवर्ड है पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने ये देखेंगे कि आपकी जो ई इनवाइस है यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और जनरेट होने के बाद जो हमारा ई इनवाइस है इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टैली से डायरेक्ट ई इनवाइस के 2 से 3 मिनट में डायरेक्ट ही बना सकते हैं। मैंने ये 5-6 मिनट का वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने बहुत चीज़ समझाया इसमें, इसलिए 5-6 मिनट का वीडियो बनाया है। लेकिन आपको अगर ई इनवाइस टैली से बनाना होगा तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।